Hello students, now I'm going to continue with the chapter Circle of 10th Standard. In previous lecture we learned about the tangent secant theorem, then the theorem of internal division of chords, then theorem of external division of chords, tangent secant segment theorem. So in this practice set 3.5 we're going to apply all these formulas of these theorems. So this is the last exercise from this chapter. So first example, in figure, ray PQ touches the circle at point Q, and PQ is equals to 12, PR is equals to 8. Then you have to find out PS and RS. तो see यहाँ पे हमें जो angle दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये tangent है और ये secant है. तो हमने पढ़ा था that is tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem, उसमें क्या होता है, ये जो टेंजेंट वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी आर इंटू पी एस. कल मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था. सो वी गोइंग टू अप्लाई दिस थ्योरम. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर इंटू पी एस. सो व्हाट इज द रीजन, दैट इज टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम. नाउ जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस वन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर, दैट इज पी क्यू इज 12. सो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर वी आर गिवन दैट इज 8. सो यहाँ पे हम 8 यूज करेंगे इन टू पी एस. नाउ द स्क्वायर ऑफ द 12 इज 144 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू पी एस. एंड सो फाइनली वी गेट द आंसर ऑफ पी एस दैट इज 18. हमें पी एस पूछा था. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आर एस. तो थोड़ा सा फिगर आप देख लो आर एस. तो आर एस कौन से सेगमेंट पे है, पी एस पे है. तो पी एस कैसे फॉर्म हुआ है, पी एस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज पी आर प्लस आर एस करके हमें पी एस मिलता है. सो पी एस इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एस. क्यों हमने ऐसे लिखा, बिकॉज द पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी एंड एस. सो यू हैव टू राइट डाउन द रीजन पी डैश आर डैश एस. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, दैट इज आर पॉइंट इज इन बिटवीन द पी एंड एस. सो पी एस इज 18. सो वी आर गिवन दैट इज इन नेक्स्ट इन प्रीवियस स्टेटमेंट वी ऑलरेडी फाइंड दैट इज पी एस इज 18, पी आर वी आर गिवन दैट इज 8 एंड प्लस आर एस. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आर एस दैट इज 18 माइनस 8. सो द आंसर इज 10. सो इन दिस वे वी फाइंड दिस पी एस एंड आर एस. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. सो इन फिगर कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी. तो हम फिगर देखते हैं थोड़ा. तो इन दिस फिगर द कॉर्ड आर एस एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी. तो दो क्वेश्चन हमें दिए हैं. फर्स्ट वन दैट इज इफ आर डी इज इक्वल टू 15, डी एस इज इक्वल टू 4, एम डी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड डी एन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, आर एस इज इक्वल टू 18, एम डी इज 9, डी एन इज 8, देन फाइंड डी एस. तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इफ द टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली देन प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स दैट इज ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड. तो यहाँ पे दो कॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं दैट इज आर एस एंड एम एन. तो आर एस के दो पार्ट कौन से हैं, आर डी एंड डी एस. इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम एन के दो पार्ट्स कौन से हैं, एम डी एंड डी एन. तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू एम डी इंटू डी एन. तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो डी एम इंटू डी एन कैसे आया देखो आप फिर से. सो डी एम इंटू डी एन इज इक्वल्स टू डी आर इंटू डी एस, डी आर इंटू डी एस. सो वॉट इज द रीजन, दैट इज थेरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ द कॉर्ड्स. नाउ जस्ट वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यू. सो यू आर गिवन दैट इज डी एम इज इक्वल्स टू 8, डी आर इज 15 एंड डी एस इज 4. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द डी एन दैट इज 15 इंटू 4 बाय 8. सो 4 टू आर 8, सो 15 बाय 2 द आंसर इज 7.5. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज वी कंसिडर दैट इज डी एस इज इक्वल टू एक्स. तो देखो यहाँ पे डी एस जो है वो एक्स है. ये कंप्लीट डी आर प्लस आर एस, आर एस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, टोटल आर एस हम कैसे मिलाते, दैट इज आर डी प्लस डी एस. तो आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू आर एस. वाई, द रीजन इज आर डैश डी डैश एस. तो हमें ये दिया है कि आर एस इज 18, ये टोटल जो आर एस है वो 18 है पूरा का पूरा, उसमें से ये पार्ट जो है वो एक्स है, मतलब
आर डी कितना हुआ, दैट इज 18 माइनस एक्स. तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज डी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 18. सो डी आर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स. सो आफ्टर दैट दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल का जो पार्ट है उसमें हम फिर से थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यूज करेंगे. सो डी एम इंटू डी एन इज इक्वल टू डी आर इंटू डी एस. सो डी एम इज 9, डी एन इज 8, डी आर दैट इज 18 माइनस एक्स एंड डी एस इज एक्स. सो 9 एट्स आर 72. यहाँ पे एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया दैट इज एक्स स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस 18x एंड ये 72 एज इट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 72 हुज एडिशन इज 18, दैट इज 12 एंड 6. तो 12 एंड 6 मैंने लिखा, उसको हम मिडल टर्म का साइन देते हैं एंड प्लस आने के लिए उसको हम माइनस साइन देंगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस. तो डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 12 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 इज 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6. सो दिस इज द आंसर. x हमने किसके लिए कंसिडर किया था, x इज नथिंग बट द ds. सो ds हमें मिला 12 और ds इज 6. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 3. सो इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेगमेंट OE, ये OE इज अ परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AD. AB इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया है 12. AC इज 8, तो ये पार्ट है 8. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें AD फाइंड आउट करना है, DC फाइंड आउट करना है और DE भी फाइंड आउट करना है. तो फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट है, सिकेंट है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये टेंजेंट वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी. व्हाट इज द रीज़न, दैट इज टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू ए डी. तो AD इज इक्वल टू, या इसका स्क्वायर जो है वो 144 अपॉन 8. तो यहाँ पे कितना आया, 18. तो AD इज इक्वल टू AC प्लस CD. ये देखो AD जो है कैसे फाइंड आउट कैसे बना है, यहाँ पे AC है तो AC से AC प्लस CD जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AD मिलता है. सो AD इज 18 एंड AC इज 8 प्लस CD. सो CD इज इक्वल टू 18 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट दैट इज OE इज परपेंडिकुलर टू CD. OE परपेंडिकुलर टू CD. सो यू नो दैट इज क्वाड बायसेक्टर थ्योरम. सो वेन एवर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द क्वाड, इट बायसेक्ट द क्वाड. सो DE एंड EC, यहाँ पे DE एंड EC इक्वल है, मतलब DE इज हाफ ऑफ दिस DC. सो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC. दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द क्वाड, बायसेक द क्वाड. सो हाफ इंटू 10, दैट इज CD वी हैव गिवन इन द यस द वैल्यू ऑफ द CD वी फाइंड इट इन द स्टेटमेंट नंबर 2. सो वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू हियर. सो हाफ इंटू 10, सो द DE इज 5. सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ AD. We are asked that is AD, DC and DE. So the AD is 18 and DC is 10 and the DE is 5. Next, the example number 4, that is in figure, if PQ is equals to 6, QR is equals to 10, PS is equals to 8, then find TS. Now see the figure. तो यहाँ पे दोनों जो chords है वो intersect हो रही है in the external part of the circle. तो यहाँ पे जो chords है that is TS and QR, so they intersect each other outside the circle at point P. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है TS. तो अगर जब वो आउटसाइड को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बोलता है,
दैट इज हमने सीखा था दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नली टचिंग एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग द कॉर्ड्स और एक्सटर्नली एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स. सो पी एस इंटू पी टी एंड पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी आर. बट बिफोर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट सम वैल्यूज दैट इज पी आर. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पी आर बिकॉज वी डोंट हैव पी आर. तो पी आर कैसे फॉर्म हुआ है? पी क्यू प्लस क्यू आर. तो पी क्यू कितना है? 6 एंड क्यू आर कितना है? 10. द रीज़न इज पी डैश क्यू डैश आर. तो पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है? 6 और क्यू आर कितना है? 10. सो पी आर इज इक्वल्स टू 16. नाउ द थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स सेज दैट अभी मैंने आपको बताया था पी एस इंटू पी टी एंड पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी आर. नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू पी एस इज 8 पी टी एंड पी क्यू इज 6 एंड पी आर जस्ट वी फाइंड आउट दैट इज 16 एंड देन वी कैन फाइंड आउट द पी टी दैट इज 6 इंटू 16 अपॉन 8 दैट इज नथिंग बट 12. बट वी हैव टू फाइंड आउट द टी एस. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू? दैट इज पी टी फॉर्म्स बाय पी एस प्लस एस टी. पी टी इज इक्वल्स टू पी एस प्लस एस टी. सो पी एस कितना है? 8 टी एस एंड पी टी कितना है? 12. तो टी एस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8. तो टी एस कितना हुआ? 4. सो पी डैश एस डैश टी. सो द वैल्यू ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू 4. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. सो इन गिवन फिगर दैट इज ई एफ इज द डायमीटर एंड द सेगमेंट डी एफ इज द टेंजेंट सेगमेंट ई एफ. तो ये ई एफ है एंड डी एफ इज द टेंजेंट सेगमेंट. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर. तो यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज ई एफ सॉरी एफ एच और एच ई ये जो रेडियस है वो आर है ऐसा दिया है एंड वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इंटू जी ई. सो डी ई तो देखो आप डी ई इंटू जी ई इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वेयर. तो ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये टेंजेंट है यहाँ पे एक सिकेंट है और बाय यूजिंग द टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम वी कैन राइट द स्क्वेयर ऑफ दिस पार्ट दैट इज अ डी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी जी इंटू डी ई. एंड यहाँ पे जो ट्रायंगल है दैट इज डी एफ ई. तो आपको पता है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो बाय रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम और टेंजेंट थ्योरम यू नो दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो एंगल डी एफ ई इट इज़ अ राइट एंगल बाय टेंजेंट थ्योरम. सो इन ट्रायंगल डी एफ ई तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर. नाउ जस्ट गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू डी ई स्क्वायर डी एफ स्क्वायर एज इट इज. सो ई एफ इज द डायमीटर एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस. तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है. तो ई एफ कितना हुआ? 2 आर. तो हियर वी पुट डाउन द वैल्यू 2 आर ब्रैकेट स्क्वायर. सो डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर. तो आर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो है वो वहाँ पे जाके माइनस होगा डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर. तो 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर इज एज इट इज एंड डी एफ स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पे निकाल के रखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में दैट इज डी जी इंटू जी ई. तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. तो इन दोनों में से हम डी ई जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं. तो डी ई इन ब्रैकेट यहाँ पे एक डी बैलेंस है माइनस डी जी. तो 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई इंटू द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट दैट इज डी ई माइनस जी डी जी डी ई माइनस डी जी डी ई माइनस डी जी इज नथिंग बट ई जी. तो यहाँ पे ई जी हमने लिखा. तो डी ई इंटू जी ई इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर एंड यही हमें प्रूव करना है दैट इज डी ई इंटू जी ई इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सर्कल. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर और इन दिस आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द अलजेब्रा. थैंक यू.